नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शंत्र फिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। यहां पर एक सबसे बड़ी दुखद समस्या यहां पर ये आ गई है SSC GD के छात्रों के लिए। जो आपकी नई भर्ती चल रही है 2023 की, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा हताश है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, अब वो लगातार ये कमेंट कर रहे हैं सर अब क्या हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ SSC GD के छात्रों के लिए, जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनको मिल सकता है बड़ा मौका। तो आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली है। साथ ही आप में से जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। जिन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं किसी ना किसी गलती की वजह से, बट उनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, तो उनको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अब उनके लिए एक दूसरा मौका भी है, जो मौका निकल कर आ रहा है CRPF की तरफ से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, CRPL का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सेंट्रल रिजर्व पुलिस के लिए, और ये आप लोगों के लिए दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो उनको टेंशन नहीं लेनी है, इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करना है। जो आपकी प्रिपरेशन है, वहां जो आपने दम लगाई थी, वो अब दम आपको इसमें लगाना है, क्योंकि CRPF का जो फॉर्म, वो CRPF का जो सिलेबस होता है वो लगभग GD के समान होता है। तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 4/1/2023 यानी कि 4 तारीख से, 4 जनवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी 25/1/2023 रहेगी, और इसमें आपको 1400 प्लस पद यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसमें दो तरह की वैकेंसी निकल कर आई है, एक हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर के लिए निकल कर आई है और एक ASI स्टेनो के लिए निकल कर आई है, और इसमें भी तनख्वाह काफ़ी अच्छी आपको मोटी मिलती है। तो जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उन सभी से अनुरोध है कि आप इसमें भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसमें जो मुख्य बात हैं, मुख्य बात है, जैसे कि आप यहां पर देख ही पा रहे होंगे ASI के लिए कितने पद निकले, स्टेनो के लिए, जनरल के लिए 58 निकले, EWS के लिए 14 निकले, OBC के लिए 39 निकले, SC के लिए 21 निकले, ST के लिए 11 निकले, और टोटल वैकेंसी 1,143, ये किसके लिए? ASI के लिए, ठीक है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए बात करें तो जनरल के लिए 532 है, और EWS के लिए 132 है, और OBC के लिए 355 है, और SC के लिए 197 है, और ST के लिए 99 है। टोटल कितने होगा? 1,315, लगभग 1400 प्लस आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। वही अब बात करते हैं इसमें एज इलेक्शन की। अगर हम बात की जाए, एज लिमिट की बात की जाए, तो इसमें मिनिमम एज 18 मांगी जाती है और मैक्सिमम एज 25 मांगी जाती है, ठीक है। और इसमें जो आपकी एज काउंट होगी वो 25/1/2023 होगी, जिसमें आपका जन्म 26/1/1998 से लेकर 25/1/2005 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब बात करें इसमें OBC वालों के लिए, इसमें 3 साल की छूट रहती है, और SC/ST वालों की बात करें तो उसमें 5 साल की छूट इसमें मिलती है, ठीक है। अब साथ ही इसमें बता दें कि इसका फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने 10+2 किया है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किसी भी बोर्ड से भले ही किया हो, ठीक है। आइए थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया आपको, 4 तारीख के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अब हो गया तो हो गया, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, तो आप इसमें अप्लाई करिए, ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें 100 रुपये आपकी जनरल OBC EWS को 100 रुपये फीस लगेगी, SC/ST वालों की 0 फीस लगेगी, कोई फीस उनको नहीं देनी होगी, ठीक है। और साथ ही इसमें पहले फिजिकल होता है, तो फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल में हाइट का मेजरमेंट मांगा जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कितना क्या रह सकता है, और कंप्लीट डिटेल इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट इसमें मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 165 सेंटीमीटर है, और ST वालों के लिए बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर फीमेल की बात की जाए तो 155 सेंटीमीटर है, और ST वालों की बात की जाए 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। चेस्ट ओनली मेल के लिए अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 77-82 है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ST वालों के लिए 76.86 है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है SSC GD के छात्रों के लिए, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो अब उनको हताश नहीं होना है, भाई आप गलतियाँ कर दी हैं तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है, तो अब आप इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।